की है। श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान और वाणिज्य विषय में पढ़ने वाले 9 विद्यार्थियों ने 80% से ज्यादा अंक लाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से अगर किसी कार्य को किया जाए तो पूरी कायनात सफलता दिलाने में लग जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उदयपुर के श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों ने। स्कूल की 6 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार के अनुरूप 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, वहीं 2 छात्र 75% अंक लाए हैं, जिसका श्रेय वे अपने माता पिता और अध्यापक को देते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी अध्यापकों के द्वारा उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं, साथ ही वे रोजाना घर पर 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, इसी वजह से आज वे इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। मैं 12th साइंस में हूँ और मेरी 88% बने अभी और मुझे IAS बनना है। मैं श्रीराम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, पास आउट हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। शाम को हमारे यहाँ पे कोचिंग होती है, स्कूल की तरफ से होती है। यहाँ की लैब्स बहुत अच्छी हैं। मैंने 12th क्लास में 87.60% प्राप्त किए। मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने अध्यापक जी को देना चाहता हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे और फ्रेंडली है और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और हमेशा टीचर हमको सपोर्ट करते हैं ताकि हम 6% ला सकते हैं। स्कूल डेज में मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था और एग्ज़ाम टाइम में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। टीचर्स हमेशा मेरी हेल्प करते थे हर प्रॉब्लम में और हर किसी भी तरह के क्वेश्चन में, या फिर हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे। मैं श्रीराम स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने अभी 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है 83.20% से। और मैं कॉमर्स की विद्यार्थी हूँ और इस स्कूल के सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी सफलता में बहुत योगदान दिया और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। मैं गरीब बच्चों से और उनसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ कि वो इस स्कूल में अधिक से अधिक एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैं 12th क्लास में कॉमर्स से मैंने 79% से उत्तीर्ण किया है और मैं इसका श्रेय अपनी प्रिंसिपल मैम मनोज जी सर और स्कूल के पूरे स्टाफ को देना चाहती हूँ। घर से मेरी मम्मी और दीदी का भी बहुत मेरे साथ सपोर्ट था। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग हैं। यहाँ के लैब, यहाँ के कंप्यूटर्स, क्लासरूम, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब स्कूल के बाद भी किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो भी टीचर्स स्कूल के टाइमिंग के बाद भी सपोर्ट करते हैं। और मैं गरीब बच्चों से और जो निचली श्रेणी के जो लोग हैं वो बड़े स्कूल की फ़ीस और ये मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप एक बार इस स्कूल में मतलब आएँ और फीस वगैरह का देखें सब मतलब ठीक है और यहाँ पे एडमिशन लें। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा का अभी साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आया है और इसके तहत हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने बहुत ही अच्छे नंबर लाकर इस ज़िले और राजस्थान में अपना नाम किया है। यहाँ के जो बच्चे हैं साइंस में, जिसमें 6 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं और 4 बच्चे साइंस में गार्गी है, 3 बच्चे कॉमर्स में गार्गी पुरस्कार बच्चों ने प्राप्त किया है और हाईएस्ट हमारे यहाँ 89% के आसपास 89% बने हैं। और आने वाले समय में हमारे यहाँ बच्चों को हम कम फीस में तो उनको पढ़ा ही रहे हैं, मगर ये बच्चे भी आगे जाके भी कहीं पढ़ेंगे तो इन लोगों को विद्यालय की ओर से भी सुविधाएं दी जाएगी अगर वो आगे जाके अपनी एजुकेशन पूरी करें। दूसरा मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से कि श्रीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है यहाँ पर हम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने हर 3 बच्चों पर 1 बच्ची को बिल्कुल शुल्क मुक्त कर रखा, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ऐसे हमें अगर कोई विकलांग का बच्चा है या विधवा महिलाओं का कोई बच्चा है तो उससे भी हम 50% पैसों में उनको यहाँ एजुकेशन देते हैं और उन्हीं बच्चों में से निकाल के हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ और SC और ST वर्ग के बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और जो कि जिनकी फीस देने की कैपेसिटी कम है, हमारे यहाँ संस्थापक जी ने बहुत कम फीस रख रखी है और हमने उनको उन कम फीस में ही पढ़ा के अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश हम बराबर कर रहे हैं। और हम मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार श्रीराम स्कूल में आकर जरूर देखना चाहिए कि यहाँ की हम पहला स्कूल होगा जो स्कूल टाइम के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और कोचिंग दिलवाते हैं और उसकी कोई फीस नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लेबें हैं साइंस की
वो संभागीय स्त्री में नंबर वन की लेवे हैं, जो हर प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ पे हम देते हैं। और मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और पूरे विद्यालय परिवार